हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्लियर? गवर्नमेंट कंपनीज, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो कौन सी कंपनीज होती हैं जिनका जो 51% है, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज फुली और पार्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? उनको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज। क्लियर? जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो क्या होती हैं? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर क्या होती हैं? रजिस्टर्ड होती हैं। क्लियर? यानी कि जो जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनको ये क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। अगर इनमें इन्होंने क्या करना है, उनके अंदर कोई अमेंडमेंट करवानी है, तो उनको क्या करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। क्लियर? हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड द सेकेंड वन इज हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एंड द लास्ट वन इज स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ओके, फर्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। सेकेंड है हमारे पास ओनरशिप। थर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट। फोर्थ है हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी। फिफ्थ है हमारे पास एफिशिएंट स्टाफ। सिक्स्थ है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल ऑटोनोमी। ओके, फर्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो क्या होती हैं? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर क्या होती हैं? रजिस्टर्ड होती हैं। क्लियर? यानी कि जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो भी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास ओनरशिप। ऑनरशिप में क्या है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, उनको क्या है? होली और पार्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है और अदर शेयर होल्डर्स करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी जो एंटिटी होती है वो क्या होती है? सेपरेट होती है। क्लियर? यानी कि वो क्या है? अपने नेम से कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंट स्टाफ। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? इम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, उनको कितना रेमुनरेशन देना है, ठीक है, ये सब डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा जो सिविल सर्विसेज के रूल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ देयर डिपार्टमेंटल हेड को क्या होती हैं? अकाउंटेबल होती हैं। यानी कि उन्होंने कोई भी मैटर डिस्कस करना है तो किससे करना है? अपने डिपार्टमेंटल हेड से करना है। क्लियर? तो जो उनकी रिपोर्ट होती है फिर वो क्या होती है? पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोनोमी। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं? अपनी बोरिंग पावर को एंजॉय करती हैं। अगर वो कैपिटल रेज करती हैं, ठीक है, तो उसको वो किसी भी सिक्योरिटी में फ्रीली इन्वेस्ट कर सकती हैं। क्लियर? यानी कि जितना भी उनका रिवेन्यू होता है, ठीक है, वो क्या है? ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए उसको एक्सपेंड कर सकती हैं। क्लियर? यहाँ पे उनको ये बेनिफिट मिलता है कि वो अपनी मर्जी से ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकती हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। ओके, फर्स्ट है हमारे पास एफिशिएंट स्टाफ। सेकेंड है हमारे पास कोलैबोरेशन। थर्ड है हमारे पास
ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. ओके, फर्स्ट है हमारे पास एफिशिएंट स्टाफ. जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज. सो इसलिए वो क्या करती हैं, अपनी मर्जी से एफिशिएंट स्टाफ को हायर कर सकती हैं. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास कोलैबोरेशन. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है उनके पास इतनी टेक्निकल स्किल और नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करती हैं, प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ कोलैबोरेट करके अपनी वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या है, एज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह अपने आप को क्या करती हैं, मैनेज करती हैं और अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाती हैं और फाइनेंस अरेंज करती हैं. क्लियर. अगर वो इनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना चाहती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, अपनी मर्जी से कर सकती हैं. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री होती हैं और ये क्या करती हैं, स्मूथली अपने फंक्शंस को, वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं. अगर इनको लगता है कि किसी चेंजेस या मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो ये क्या करती हैं, कंपनीज एक्ट के अंडर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के उनमें अमेंडमेंट कर सकती हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. फर्स्ट है हमारे पास ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली. सेकेंड है हमारे पास पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. एंड द थर्ड वन इज एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट. ओके, फर्स्ट है हमारे पास ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली. यहाँ पे क्या है कि जो ऑटोनॉमी वर्ड यूज होता है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर वो क्या सिर्फ नेम सेक के लिए यूज होता है. यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहती ही रहती है गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, इनको गवर्नमेंट करती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहती ही है. ओके, सेकेंड है हमारे पास पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में क्या है कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जैसे मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो कई बार एफिशिएंटली तरीके से अपनी वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाती. ओके, एंड द लास्ट वन इज एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट. जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किनको नॉमिनेट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो क्या करते हैं यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, एक्सेसिव कंट्रोल रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो सही ढंग से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाती. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सुटेबिलिटी. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो किन किन केसेस में क्या है, सुटेबल है. क्लियर. फर्स्ट है हमारे पास वेयर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कंट्रोल अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी विदाउट नेशनलाइजेशन. सेकेंड है हमारे पास वेयर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गो फॉर अ कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर. लास्ट है हमारे पास वेयर प्रोजेक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स. ओके, फर्स्ट है हमारे पास कि जहां गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनी के ऊपर क्या करती है, कंट्रोल करना चाहती है विदाउट नेशनलाइजेशन. ओके, उस केसेस में क्या है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो क्या है, सुटेबल है. सेकेंड है हमारे पास कि जहां पे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट होके, ठीक है, अपनी वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहती है. लास्ट है हमारे पास कि जहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग और फंड्स की क्या है, नीड है. उस केसेस में क्या है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो क्या है, सुटेबल है. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन.